हम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्लेकेट बनाने का बहुत ही आसान तरीका। वैसे प्लेकेट तो सभी बना लेते हैं, बस उसको एंड पे फिनिशिंग देना ज़रा मुश्किल होता है। बिगनर्स के साथ अक्सर ये मसला होता है, वो ऊपर से प्लेकेट तो नीटली बना लेते हैं लेकिन जब नीचे से उसको फिनिशिंग देनी होती है वहाँ से वो तो या ज़्यादा चौड़े कट लगा लेते हैं या कम लगा लेते हैं, जिसकी वजह से एंड पे फिनिशिंग नहीं आती। यहाँ पे मेरे पास शर्ट है, शर्ट की सीधी साइड है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, प्रेस कर लेना है, दरमियान में इसकी क्रीज लाइन आ जाए। अब यहाँ पे नीचे लाइनिंग है तो मैंने दरमियान में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ मैंने इस तरह से दो पट्टियाँ तैयार की। मैं पहले आपको पट्टियाँ बता देती हूँ किस तरह से आपने तैयार कर ली हैं, इस तरह अगर आप प्लेकेट लगाना चाहते हैं। लंबाई इनकी 12 इंच है और चौड़ाई इसकी 1 इंच से 1 सूत कम है। दोनों साइड पर आपने फैब्रिक को फोल्ड करके फिर उसको डबल फोल्ड कर लेना है। चौड़ाई आपने इसकी रखनी है 2.5 इंच तक, 2.5 इंचेस। एक साइड से फोल्ड किया, दूसरी साइड से फोल्ड किया, उसको डबल फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी दो पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी। 12 इंच इसकी लंबाई है और 1 इंच से 1 सूत कम इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे देखें सेंटर में आपको क्रीज लाइन नज़र आ रही है, या तो आप इस तरह से क्रीज लाइन बिठा लें या आप यहाँ पे शर्ट के सेंटर में इस तरह से इसको मार्क कर लें। और ये प्लेकेट वेस्ट लाइन तक बनाना है, यानी कि 15 इंचेस तक। अगर नॉर्मल हाइट है तो 15 इंच, शॉर्ट हाइट है तो 14.5 इंचेस पे, और अगर हाइट ज़्यादा है तो आप इसको 16 to 17 इंचेस पे भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे मैं वेस्ट लाइन तक बना रही हूँ। अच्छा, अगर आप इसको सीधा बनाना चाहते हैं तो आप इसको स्ट्रेट कट करेंगे। अगर आप थोड़ी सी वी शेप पर सीधना चाहते हैं तो 1.5 इंचेस की इस तरह से आपने वी शेप बना लेनी है, 1 इंच चौड़ाई में, और डीप इसको आपने 1.5 इंच रखना है। अब पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर सेट किस तरह से करना है, देखिए पट्टी इस तरह से रखनी है। देखिए इसकी ओपन साइड है तो नीचे वाली पट्टी की बंद साइड हो, यहाँ पे इसकी ओपन साइड तो ऊपर वाली पट्टी की बंद साइड, ऑपोजिट साइड में आपने दोनों पट्टियों को रखना है। एक साइड खुली होगी, एक साइड बंद होगी, और दोनों पट्टियाँ बिल्कुल बराबर हों, एक की ओपन साइड एक साइड पर और दूसरी की ओपन साइड दूसरी साइड पर, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और दोनों पट्टियों को इस तरह से आपस में मिला के इसके सेंटर में या तो आप मार्क कर लें, प्रेस कर लें, या फिर इस तरह से कट लगा लें ताकि बिल्कुल शर्ट के सेंटर में हम स्टिच कर सकें। और दोनों पट्टियों का रुख नीचे की तरफ रखना है, दामन की साइड पे, ठीक है। देखें इसका सेंटर है बिल्कुल शर्ट के सेंटर के आमने सामने हो, दोनों पट्टियों को भी दामन की तरफ करके तब सिलाई लगानी है, ठीक है। जो नीचे आपको पैटर्न नज़र आ रहा है ना बोरिंग का, चिकनकारी का, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ दामन की तरफ है। दोनों पट्टियों को दामन की तरफ रखना है और यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को दोनों साइड से पक्का करना है प्लेकेट के, यहाँ से देखिए पक्की होगी। अब यहाँ पे लेके इसको दोबारा से टर्न करेंगे तो यहाँ की सिलाई भी पक्की हो जाएगी। दोनों पट्टियों को नीचे की तरफ रखना है दामन की तरफ और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी, एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। देखिए इस तरह से ये सिलाई आपके पास आ जाएगी, पट्टी बिल्कुल शर्ट के सेंटर में होनी चाहिए और इतनी ही आपने सिलाई लगानी है। और पट्टियाँ देखिए नीचे दामन की तरफ है, अभी कोई कटिंग शटिंग नहीं करनी ऊपर से, कटिंग हम बाद में करेंगे जब हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब पट्टियाँ स्टिच होगी, अब यहाँ से हम इसको इस तरह से सीधा कट कर लेंगे। अब इसको आपने इस तरह से कट करते जाना, जब हाफ इंच फैब्रिक रह जाए तो इसके बाद आपने यहाँ पे तिरछे कट लगाने, और कट कहाँ तक लगाने हैं, जहाँ तक सिलाई एंड हो रही है। मैं आपको निशान लगा के भी दिखा देती हूँ इस तरह से। इस तरह से तिरछे कट लगाने हैं और सिलाई के एंड तक लेके जाना है, आगे नहीं लेके जाना, बिल्कुल एंड तक। यहाँ पे कट लगा, मैं बैक साइड से भी आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से ये कट आ जाएंगे। बस इसी कट में गलती होती है, अगर आप पहले से कट नहीं करेंगे बाद में कट करेंगे तो आसानी होगी। अब ऊपर जो मैंने 1.5 इंचेस तक वी कट दिया था उसको भी मैं कट कर लूँगी। बैक साइड पे मैंने मार्किंग की थी तो उसी मार्किंग पे मैं यहाँ पे कटिंग भी कर लूँगी ताकि ऊपर से ब्लैकेट वी शेप में आ जाए। अगर स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो आप इसको इसी तरह से रहने दें, कट ना लगाएं वी कट। अब जो पट्टी नीचे की तरफ थी ना इसको आपने ऊपर की तरफ कर लेना है, देखिए ये था ना इस तरह का रुख, अब इसका रुख ऊपर की तरफ कर लेना है और जो नीचे एक पैर का मार्जिन था ना उसको नीचे की तरफ ले जाना है
और यहाँ से इसको आप सिलाई करना है। देखिए कट तो लगाए हुए, तो ये फैब्रिक आसानी से पट्टी के अंदर चला जाएगा, बस आपने यहाँ पे सिलाई को पक्का करके सिलाई लगा लेनी है। बस यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक कट लगाया था सारे का सारा फैब्रिक पट्टी के अंदर करना है, ताकि वो कट नज़र ना आए, तिरछा कट जो लगाया था। और जो नीचे से मार्जिन दिया था ना एक पैर का, उसको नीचे की अब दामन की तरफ कर देना है, ताकि पट्टी आसानी से स्टिच हो। यहाँ से सिलाई को पक्का कर लेना है और उतना ही फैब्रिक इस पट्टी के अंदर कवर करना है जितना तिरछा कट लगाया होगा, और ऊपर तक उतनी ही चौड़ाई में फैब्रिक अंदर करते हुए किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए एक साइड की पट्टी स्टिच हो गई है, अब इसी तरह से दूसरी साइड की पट्टी स्टिच करनी है। देखिए ये आपने नीचे की तरफ कर लेना है, इसको ऊपर नहीं रहने देना। अब इसके बाद जो पहली वाली पट्टी है उसको आप इस तरह से हटा लें और यहाँ से फैब्रिक इस तरह से पट्टी के अंदर करते हुए किनारे की सिलाई लगा लें। बस इसमें मेन जो सीखने वाली चीज़ है ना वो यही चीज़ है कि नीचे से आपने इसको फिनिशिंग किस तरह से देनी है। पहले आप पट्टियाँ सिलाई कर लें, उसका रुख नीचे की तरफ कर लें, उसके बाद आप उसके तिरछे कट लगाएं और पट्टी को ऊपर की तरफ ले आएं, मार्जिन वाले पार्ट को नीचे की तरफ ले जाएं दामन की तरफ, और यहाँ पे आपने फैब्रिक उतना ही अंदर करना है पट्टी के जितना तिरछा कट लगाया होगा। इससे कोई मसला नहीं आएगा आपकी शर्ट की चौड़ाई में और प्लेकेट में। अब दोनों साइड की पट्टियाँ स्टिच हो गई हैं, अब मैं आपको एंड से फिनिशिंग दिखाती हूँ, जहाँ से अक्सर बिगिनर्स के साथ मसला होता है वो फिनिशिंग नहीं दे पाते इनको। अब यहाँ पे आप चाहें तो बटन वगैरह लगा लें, चाहे तो इसको सिलाई लगा लें। देखिए यहाँ से कितनी सफाई के साथ पट्टी हमारी रेडी हो गई है। बस कटिंग में ही गलती हो जाती है, कट ज़्यादा लग जाते हैं जिसकी वजह से फैब्रिक हम उस तरह से कवर नहीं कर पाते। अब यहाँ पे अगर आप इसको बटन लगाना चाहते हैं तो बटन भी लगा सकते हैं। इसको मैं फिक्स कर लूँगी सिलाई से, सिर्फ जो ऊपर वी कट दिया हुआ था ना उसको ओपन छोड़ दूँगी, बाकी पट्टी मैं सिलाई लगा के फिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे भी किनारे की सिलाई लगा लेनी है और जितना वी कट दिया हुआ था ना 1.5 इंचेस डीप, उतना ही छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई को ऊपर तक ले जाना है। अब यहाँ पे देखिए पट्टी रेडी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ करीब से इसकी लुक, बैक साइड से भी आप देख लें और ये इसकी सीधी साइड आ जाएगी। तो अगर आपको भी यहाँ पे फिनिशिंग देने में मसला आता तो आप इस मेथड से अगर लगाएंगे तो कभी भी मसला नहीं होगा। यहाँ से दोनों पट्टियों को बराबर करते हुए इसको उसी तरह से गोलाई में शेप दे देनी है जैसे से नेकलाइन की कटिंग हुई हुई है, ताकि बिल्कुल बराबर आ जाए, दोनों को साथ रख के कट कर लेना है। अब मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की ही इस तरह से मैंने ऊपर भी पट्टी लगा ली है, चौड़ी पाइपिंग लगा ली है फ्रंट पे भी और बैक पे भी। बाकी आप जिस तरह से इसको एम्बेलिश करना चाहें इसके प्लेकेट को। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।